जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। फंडामेंटल राइट्स की जो हमारी सीरीज चल रही है 2020 और 21 के लिए, 2019 वालों के लिए भी काम का, ऐसा कुछ नहीं है कि 2019 में अलग है, उसका आज का हम लोगों का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स ही आज हम लोगों को पढ़ना है। तो सर, दो दिन से आप लोग क्या कर रहे थे? दो दिन से दोस्तों फंडामेंटल राइट्स जो हम लोगों को 12 से 35 दे रखे हैं उसमें फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को 14 से लेकर 32 तक है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक है। तो 12 और 13 में हम लोगों ने देखा कि 12 में स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है और 13 में उन्होंने अलग अलग चीज़ें बता के रखी, विधि की परिभाषा के बता के रखी और कानून वगैरह के बारे में सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है। अब आज हम लोगों को मेनली फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना है जिसमें हम लोग एक आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आप लोगों को समता या समानता का अधिकार दे के रखा है। आर्टिकल 14 से कहां तक? आर्टिकल 18 तक। 14, 15, 16, 17 और 18, ये पांच आर्टिकल्स हम लोगों को, कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, 14 से 18 तक, 14, 15, 16, 17, 18, टोटल कितने आर्टिकल है? पांच आर्टिकल है। तो इन पांच आर्टिकल में समानता का अधिकार या समता का अधिकार बता के रखा है। आज का उसका हम लोगों का टॉपिक है आर्टिकल 14 और इस आर्टिकल 14 से 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आज आपका प्रिपेयर होगा। कम से कम एक ही चीज से आपके 3 से 4 क्वेश्चन घुमाकर जो पूछे जाते हैं वो प्रिपेयर होंगे। तो दोस्तों, मानव अधिकार क्या होते हैं और मूल अधिकार क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, मानव अधिकार वो होते हैं जो मानव होने के नाते हमको मिले हैं, मानव अधिकार वो है जो हमको मानव होने के नाते मिले हैं। जैसे ही हम माँ के पेट से जन्म लेते हैं उसके बाद में जो हमको अधिकार मिलते हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं। ये किसी भी देश की सीमा से बंधे हुए नहीं है, ना ही कोई संविधान से हमको ये प्राप्त है कि संविधान की इसके ऊपर बाधा है। लेकिन मूल अधिकार क्या होते हैं? जो हमारे सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं, जो हमको राज्य के विरुद्ध मिले हैं, दूसरे देशों की इसके ऊपर पाबंदी होती है ना। तो अपने अपने देश में अलग अलग टाइप से हमको मूल अधिकार मिले हुए। लेकिन मानव अधिकार कैसे होते हैं? देश की सीमाओं में बंधे हुए नहीं होते, संविधान की सीमाओं में बंधे हुए नहीं होते। तो आज का हम लोगों का जो आर्टिकल है 14 आर्टिकल, राइट टू इक्वालिटी वाला जो टॉपिक है हम लोगों का आज, वो हम लोगों को पढ़ना है कि राइट टू इक्वालिटी में दे रखा आर्टिकल 14 में समझना। पहले समझाता हूं उसके बाद में आप लोगों को लिखना कैसे ये भी बताऊंगा। पहले आर्टिकल 14 जो है विदेशी और नागरिक दोनों को प्राप्त है, हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ और यहां पे भी मैंने शॉर्टकट में आपको बताया कि विदेशी और नागरिक दोनों को ही प्राप्त है। हे क्या आर्टिकल 14 का टाइटल क्या देखना, राज्य जो है भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्य क्या मतलब हुआ, राज्य का मतलब यहां पर क्या हुआ, आर्टिकल 12 में हम लोगों ने परिभाषा देखी, राज्य का मतलब वही है, आर्टिकल 12 में आप लोगों ने परिभाषा देखी। तो राज्य जो है भारत के राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र का मतलब यहां पर क्या हुआ है ना, जो एरियाज है स्टेट का, राज्य क्षेत्र मतलब जैसे यूपी एमपी वगैरह वो सारे राज्य क्षेत्र आ जाएंगे। राज्य जो है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। विधियों के समान संरक्षण का मतलब होगा इक्वलिटी, सॉरी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और विधि के समक्ष समता का मतलब होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये तो प्रीलिम्स में काम का है आपको कि ऐसा दे देंगे कि इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो ये आपको कहां पर काम आ जाएगा भैया, ये अपने को प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही जगह पर काम में आना वाला है, इसलिए हम लोग इसको प्रीलिम्स और मेंस वाली सीरीज में रखेंगे। तो राज्य का मतलब हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि भैया भारत समझे अपने एक हिसाब से देखा जाए तो, शॉर्टकट में जैसे अपन लोग टाइम पास के तौर पर बोले तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के समक्ष विधि के समक्ष क्षमता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, मतलब क्या होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से हम लोगों को वंचित नहीं किया जाएगा, ये बात आप समझना। विधि के समक्ष क्षमता क्या है और विधियों का समान संरक्षण क्या है, ये अपने आप में 3-3 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे, तो आपको लिखना क्या है मैं बताता हूं। और विधियों का समान संरक्षण आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो आपको लिखना क्या है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, हमारे संविधान ने इन दोनों को क्यों डाला, एक को क्यों नहीं डाला। पहले समझते हैं विधि के समक्ष समता क्या होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है, समता या समानता बोलो कोई अलग बात नहीं है, तो 3 और 5 मार्कर्स यहां से बनेगा। पहले जरा डेफिनेशन देखो कि विधि के समक्ष समता का क्या मतलब होता है, अर्थात ये जो है विधि के समक्ष समता विधि के शासन से प्रभावित है, रूल ऑफ लॉ। अब ये रूल ऑफ लॉ बीच में कहां से आ गया, तो ये विधि का जो शासन है इसके जनक है कौन, रूल ऑफ लॉ के जनक है ब्रिटिश कानूनविद एवी डाइसी। एवी डाइसी के अनुसार विधि के शासन का मतलब होता है कि विधि के उल्लंघन पर ही दंड दिया जाएगा, विधि के उल्लंघन पर ही दंड दिया जाएगा। पहले इसको समझो फिर वापस इधर ही आता हूं वापस 2 सेकंड में। विधि के उल्लंघन पर ही दंड दिया जाएगा मतलब अगर आप कानून का उल्लंघन करते हो, लॉ का उल्लंघन करते हो, तो ही आपको दंड मिलेगा, एक मतलब यह निकल के आता है। दूसरा जो है कोई व्यक्ति जो है कानून से ऊपर नहीं है, इसका मतलब कानून की निगाह में सब क्या है, बराबर है, ये होता है विधि के शासन का मतलब, ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। अगर यार 90 डिग्री का एंगल आपने कहीं पर भी देखा, आपको क्या दंड मिलेगा, नहीं मिलेगा,
अगर कानून बना है तो आपको दंड मिलना तय है, है ना। ये ब्रिटिश कानून भी दिए प्रीलिम्स में काम में आएगा कि विधि का शासन के जनक कौन है, रूल ऑफ लॉ के फादर कौन है, तो एवी डाइसी है इसके जनक, और इसका ये मीनिंग निकल के आता। अब बात को समझना कि विधि के समक्ष क्षमता इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होगा, कि विधि के शासन से प्रभावित है। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि कानून किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसका एग्जैक्ट मीनिंग दिया गया है क्या, कि कानून किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये तो सिर्फ समझने के लिए ये अपने को नहीं लिखना है। मतलब क्या हुआ, कानून की निगाह में सब क्या है, एक समान है, सभी कैसे हैं, एक जैसे हैं, विधि के समक्ष सभी कैसे हैं, एक जैसे हैं। विधि के समक्ष क्षमता का मतलब ये होता है, मतलब कानून सबके लिए क्या है, बराबर है। मोदी जी हो, योगी जी हो, मैं हूं, आप हो, और नितिन गडकरी जी है, सबके लिए कैसा है, एक जैसा, क्योंकि वो हेलमेट नहीं लगाता है इसलिए उसका नाम आ गया। अब इसका अर्थ यहां से निकालो, अपने को ये चीज लिखना है कि भैया क्या मतलब होगा विधि के समक्ष क्षमता का। अपने को तीन पॉइंट यदि लिखना है तो कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है मतलब कानून के बराबर है, और किसी भी व्यक्ति को जो है क्या है, विशेषाधिकार नहीं दिया गया है। हालांकि आर्टिकल 361 में हम लोग जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को राष्ट्रपति के विशेषाधिकार बताऊंगा, राज्यपाल के विशेषाधिकार बताऊंगा, संसद के जो सदस्य हैं उनके विशेषाधिकार बताऊंगा, क्योंकि यहां पर इसके कुछ अपवाद भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि विशेषाधिकार नहीं दिए गए, इसके कुछ अपवाद है, काफी अपवाद है, कुछ क्या काफी अपवाद है, जो मैं आप लोगों को राष्ट्रपति, राज्यपाल और पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि क्या क्या आर्टिकल 14 के अपवाद है। तो विशेषाधिकार है। दूसरा क्या, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। कौन बनाएगा, राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, ठीक है, राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। यह बात आप लोगों को समझ आई कि भाई अलग अलग किसी के लिए कानून नहीं बनेगा। धैर्य बना के रखना, दोनों के बीच का भी डिफरेंस बताऊंगा, एकदम से ये मत सोचना कि जो लिखा हुआ वही चीज हम लोग समझेंगे, सब कुछ कहानी के तौर पर बहुत सारी चीजें समझेंगे। वह सभी व्यक्ति पर एक समान रूप से लागू करेगा, मतलब क्या हुआ दोस्तों, बात को समझना कि विधि के समक्ष क्षमता का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सब क्या है, कानून की निगाह में बराबर 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 है, सब बराबर सब बराबर। मूवी देखी नहीं कि मांझी द माउंटेन मैन, सभी व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाएगा राज्य और सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू करेगा, ठीक है। अब ये जो बात हम लोगों ने ली है वो कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है। ये कहां से ली हम लोगों ने, ब्रिटेन से ली है। दूसरी बात हम लोगों ने ब्रिटेन से ली, दूसरा पॉइंट हम लोगों के लिए हो गया। तीसरी बात ये है कि ये एक नेगेटिविटी एक्सप्रेशन है, ये नकारात्मक अभिव्यक्ति है। ये क्या है, नकारात्मक अभिव्यक्ति है। अब ये नकारात्मक अभिव्यक्ति कैसे है, ब्रिटेन से लिया गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को पता है रटने वाला काम है, हमको कुछ अलग से कुछ चीजें नहीं करनी है। लेकिन ये नकारात्मक अभिव्यक्ति कैसे हुई, जब हमने कहा कि भैया कानून के समक्ष सब बराबर है, कोई गरीब या कोई अमीर नहीं है, सब आंख की पट्टी बंधी हुई है मुंह पर, वो सब एग्जांपल हम लोगों को समझना है कि भाई कैसे नकारात्मक अभिव्यक्ति कैसे हो गई। पहले हम लोग विधियों का समान संरक्षण समझते हैं, उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं कि क्यों हम लोगों ने इसको भी अपनाया और इसको भी अपनाया है, किस कंडीशन में क्या होगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब यह होता है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्ति पर समान कानून लागू किया जाएगा। यहां पर वर्ड यूज हुआ है समान परिस्थिति वाले, मतलब इक्वल कंडीशंस वाला जो पर्सन है, समान परिस्थिति वाले व्यक्ति पर समान कानून लागू किया जाएगा। दूसरी बात, समान परिस्थिति वाले व्यक्ति से कोई विभेद नहीं किया जाएगा, ठीक है, ठीक। और तीसरी बात यह कि यह अमेरिका से लिया गया है। और चौथा बात यह है कि यह क्या है, पॉजिटिव अभिव्यक्ति है, सकारात्मक अभिव्यक्ति है, सकारात्मक एक्सप्रेशन है, पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। यह हम लोगों को ध्यान रखना है। तीन मार्क्स के हिसाब से आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर, तीन मार्क्स के हिसाब से आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर, तीन मार्क्स के हिसाब से आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर, तीन क्वेश्चन तीन मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर हो रहे हैं। आर्टिकल 14 से 18 में क्या देके रखा है, ये लिखने के लिए आ सकता है, समानता का अधिकार, तो आपको ये एक लाइन लिख देनी है। चौथा क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो रहा है। पांचवा क्वेश्चन पांच मार्क्स का बनेगा कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, 100% बनने के चांसेस है इसके। विधि के समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण में अंतर बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों, जो हम लोगों ने विधियों का समान संरक्षण लिया है विधि के समक्ष क्षमता के साथ साथ में, क्यों लिया है, देखिए यहां पर हम लोगों ने लिखा है कि नकारात्मक अभिव्यक्ति है, ये नेगेटिव एक्सप्रेशन है, क्यों है नेगेटिव, ये नकारात्मक अभिव्यक्ति क्यों है। देखिए, अगर आपको एक मैदान में खड़ा कर दिया जाए, अगर आपको एक मैदान में खड़ा कर दिया जाए और आपके साथ में कोई हैंडीकैप्ड है ना, जिससे दौड़ने की नहीं बनती है, जिसकी एक टांग क्या है, हैंडीकैप्ड है बंदा, मोदी जी ने नाम दिया है दिव्यांग, हालांकि कुछ लोगों ने कहा है कि ये दिव्यांग कहना हमारे लिए एक हिसाब से अपमानजनक भी हुआ है, कुछ का कहना अच्छी बात है, लेकिन हम उस चक्कर में नहीं उलझते हैं। आपको दौड़ने के लिए कहा जाएगा, क्या वो पर्सन दौड़ पाएगा, उतना नहीं दौड़ पाएगा। अब हमसे आर्टिकल 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है ना, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब आप यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हो, एमपीपीएससी का फॉर्म भर रहे हो, किसी भी एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, तो अगर कोई व्यक्ति ब्लाइंड है,
अगर कोई व्यक्ति ब्लाइंड है या कोई व्यक्ति वंचित है और आप उससे ज्यादा अच्छी कंडीशन में हो तो क्या उसके ऊपर ये कानून लागू होगा? क्योंकि ये और ये दोनों ही बात क्या करते हैं, इन दोनों के उद्देश्य क्या है? विधि मतलब कानून, लॉ। विधि की परिभाषा हम लोग देख चुके हैं आर्टिकल 3 में, 13(1) में, 13(2) में। अवसर मतलब हमारा जो है क्या है, आर्टिकल 16 में जो रखा, और न्याय की समानता पर आधारित है। मतलब हमको क्या करवाना है, न्याय की समानता देना है, अवसर की समानता देना और विधि की समानता देना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कानून के समक्ष समान है, तो अवसर की समानता भी देना हमको, है ना, विधि की समानता भी देना, न्याय की समानता भी देना। तो दोनों का उद्देश्य तो एक ही जैसा है। वो बंदा दौड़ पाएगा क्या, वो बंदा एग्जाम एलिजिबल करने में उतना वो है क्या, एलिजिबल है क्या, जितना आप हो, जितनी आपकी क्षमता है? नहीं। इसीलिए ये क्या है, नकारात्मक अभिव्यक्ति है। ये नकारात्मक अभिव्यक्ति है कि किसी भी कंडीशन में, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी परिस्थिति हो, कितनी भी अच्छी परिस्थिति क्यों ना हो, सब इक्वल नहीं हो सकते, सब समान नहीं हो सकते। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे कुछ बच्चे, चुनिंदा बच्चे मुझे पसंद करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे मुझे पसंद करें, ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे मुझे पसंद करें। तो कभी भी जो है क्या बोलते हैं, सबके लिए सारी चीज़ें बराबर नहीं हो सकती। इसलिए क्या है, नेगेटिव अभिव्यक्ति है। इसलिए हम लोगों ने पॉजिटिव अभिव्यक्ति को भी अपनाया साथ में, कि विधियों का समान संरक्षण, मतलब समान परिस्थिति वाले व्यक्ति पर समान कानून लागू होगा। इसका मतलब यह है कि राज्य हमारे साथ क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। कैसे? जैसे कि हम लोग बात करें कि समानता का अर्थ यदि निकालने की कोशिश करें कि ये पॉजिटिव अभिव्यक्ति कैसे है, जैसे मैंने वो ब्लाइंड वाला आपको एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आपको रनिंग वाला एग्जांपल दिया, तो कहीं ना कहीं राज्य हमारे साथ भेदभाव करेगा तो वो क्या हो जाएगा, विधियों का समान संरक्षण हो जाएगा। लेकिन हर जगह पर नहीं कर सकता, उसमें कोई ना कोई बात होनी चाहिए, कोई ना कोई तर्क होना चाहिए। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, पहले समानता का अर्थ समझो कि समानता का अर्थ क्या होता है। समानता का अर्थ है, नोट्स बनाते टाइम पे आप अपने हिसाब से टैकल कर सकते हो, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा चार्ट वर्ट, हालांकि बोर्ड पे क्या मैं चार्ट बनाऊंगा, मेरे पास बोर्ड ही इतना छोटा है। तो समानता का अर्थ है कि समानों में समानता, अगर आप समानों में समानता करते हो तो वो क्या है, समानता होगी। अगर आप समानों में समानता नहीं करोगे तो समानता कैसे होगी? भाई एक व्यक्ति है हैंडीकैप्ड है और एक व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ता है, सारी चीज़ें करता है, और दूसरा व्यक्ति जो है रनिंग नहीं कर पा रहा है, एक व्यक्ति तो बहुत अच्छा रनर है, आप उससे बोलोगे कंपटीशन करने का, तो क्या दोनों समान हैं? तो समानता का अर्थ हुआ है समानों में समानता। मतलब एक ही व्यक्ति जिसके पास एक ही जैसे क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, उनके अंदर योग्यता, उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। आगे आर्टिकल 15 में यही सब चीजें हम लोगों को देखने को मिलेगी कि एक ही तरह की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे, लिंग, जाति और धर्म के आधार पर। समानता का अर्थ क्या नहीं है? समानता का अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर मामले में हम समान बना दें। प्रत्येक व्यक्ति को हम हर मामले में समान नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये जो है वो स्वाभाविक नहीं है। ये बात कोई स्वाभाविक नहीं है कि हर व्यक्ति समान हो सकता है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आपकी जगह पर मेरे पास भी नॉलेज है, आपके पास भी नॉलेज है, आप लोग भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रहा हूँ साथ साथ में आप लोगों के, कि भैया मैं भी साथ साथ में चलने देता हूँ, लेकिन आपका मीडियम इंग्लिश और मेरा मीडियम हिंदी है, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, अपन थोड़ी देर के लिए आरक्षण को छोड़ देते, नहीं तो फिर तुम लोग मेरे पीछे पड़ जाओगे सर ये वो, इसलिए मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये व्यवहारिक भी नहीं है। अगर आप मुझसे इंग्लिश के बराबर करने की बात करोगे तो मैं कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा उतना जितना अच्छा हिंदी में एक्सप्रेस कर पाऊंगा। तो भैया ये जो प्रत्येक व्यक्ति को हम हर मामले में समान बना दें, ये समानता का अर्थ नहीं होता है और ये कदापि हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये स्वाभाविक नहीं है और ना ही ये व्यवहारिक रूप से लागू होगा। तो समानता का अर्थ क्या होता है? समानों में समानता होती है। फिर समानता के अर्थ की बात देखें तो हम इसको विधायी वर्गीकरण कर सकते हैं। ये मत लिखना, आप सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, नोट्स में मत लिखना और वहाँ पर भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अरे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बनेगी, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ले तो मेंस में तो आप लिख पाओगे। विधायी वर्गीकरण और संरक्षणात्मक भेदभाव स्वीकार किया गया हमने, ये समानता के अर्थ की बात करें। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ कि हमारे यहाँ पर वयस्क पदाधिकार दे के रखा, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में बहुत बार दिया है कि भैया हर वो व्यक्ति जो 18 साल कंप्लीट कर चुका हो, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उसके क्या है, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर। तो क्या ये जो बीच के बचे हुए हैं भैया 12 साल से 17 साल, चलो 12 के बाद में हम लोग नीचे मानते हैं कि भैया उतना थिंकिंग डेवलप नहीं होता है, तो बाकी लोगों के साथ तो भेदभाव हुआ। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों ने एक क्राइटेरिया डिसाइड करके रखा हुआ है कि 18 के बाद में बुद्धि विकसित हो जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका विधायी वर्गीकरण हम लोगों ने कर दिया। लेकिन अगर इसकी जगह पर हम ये लोग बोल देते, जैसे मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी आपको कई बार बताया कि सफ़ेद जिसके बाल होगा वही वोट डाल सकता है, तो ये क्या वर्गीकरण सही है क्या? यहाँ पर हम लोग समानता की बात करें तो ये सही है क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो तर्कपूर्ण नहीं अतर्कपूर्ण हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या है,
हर जगह पर समानता का अर्थ नहीं बता सकते, कैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को हर मामले में हम समान नहीं बना सकते। ये तर्कपूर्ण हम लोगों ने वर्गीकरण किया 18 साल वाला। इसीलिए जब बच्चे बोलते हैं ना क्या आरक्षण दिया गया, ये दिया गया, तो यहाँ पर हम विधियों का समान संरक्षण की बात करते हैं कि समानों में समानता ढूंढते हैं, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाएगा। किस आधार पर? संरक्षणात्मक भेदभाव के आधार पर किया जाएगा। हम लोग अगर कमजोर वर्ग है तो उसको ऊपर लाने के लिए हम लोग क्या है, कुछ छूट दे सकते हैं, विशेष छूट दी जा सकती है। ये दोनों के बीच का एक मेजर डिफरेंस है, हम लोगों को देखना है। तो विधि के शासन से प्रभावित है, कानून के समक्ष सब समान है, कोई भी ऊपर नहीं है, लेकिन यहीं पर हम लोगों ने विधियों का समान संरक्षण लेकर रखा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, समान परिस्थिति वाले के साथ। तो ये क्या है, एक नेगेटिव अभिव्यक्ति है और ये सकारात्मक अभिव्यक्ति मतलब पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि अब फंडा आप लोगों का क्लियर हुआ होगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत में मुझे काफी बच्चों ने बताया कि हम लोगों को बहुत समस्या आती है। तो ये सकारात्मक अभिव्यक्ति और नकारात्मक अभिव्यक्ति में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसमें मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा फंडा। जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, जो मेरे साथ में ऑफलाइन पढ़ते थे, वायरस की वजह से क्या हुआ है ऑफलाइन नहीं पढ़ा पाए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये फंडा समझ में आया कि नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये प्रयास अच्छा लग रहा है, इसके अलावा मैं बोर्ड की व्यवस्था करता हूँ, काम करता हूँ कि दूसरा बोर्ड और थोड़ा सा बड़ा बोर्ड अपने पास बाहर लगा, उसको बाहर से निकाल के इधर लगा के अपन करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और प्रयास करता हूँ आप लोगों को। और कौन सा सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूँ मुझे ज़रा बता दीजिए आप, इस वीडियो में कमेंट करके बताना, ताकि मैं थोड़ा सा उस सब्जेक्ट के ऊपर काम करूँ और शुरू करने की कोशिश करूँ। जय हिंद दोस्तों।